दलित एकता मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह राणा एडवोकेट के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक काफियाबाद गांव में दलित हत्याकांड में हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता राशि दिलाई जाए एवं परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए एवं हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह राणा एडवोकेट के लेटर हेड पर एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मंच के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रफत हुसैन एवं प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम सिंह गौतम एवं प्रदेश महामंत्री डॉक्टर हरिनंद प्रसाद एवं जिला अध्यक्ष अनिल लश्करी, प्रचार मंत्री रणवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष कपिल लाल, अशोक कुमार, एडवोकेट देवराज सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम वीर सिंह राणा एडवोकेट है। मैं दलित एकता मंच का एक सिपाही हूँ। मेरे साथ दलित एकता मंच के सारे जावाज सिपाही जिम्मेदार साथी मेरे साथ। आज कप्तान साहब के पास आए कि मुद्दों को लेकर के आए हैं, क्या समस्या है? देखिए, कप्तान साहब के पास हम गरीब, दलित, मुस्लिम, कमजोर, मजलूमों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में एक अत्याचार काफियाबाद में दबंगों द्वारा एक युवा दलित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 दिन आज हो गए, पुलिस एक ही मुजरिम को गिरफ्तार कर सकी है। हम कल काफियाबाद का दौरा हमारी टीम ने किया था और गांव में जाकर के परिवार का हालचाल जाना था। परिवार ने बहुत ही रो रो करके हमसे बताया था कि पुलिस उसमें काम नहीं कर रही, एक ही मुजरिम को गिरफ्तार किया है, वो भी सरकार के दबाव में। दूसरे मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, चूँकि हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था वहाँ पर स्थापित है। अन्य मुलजिम जाट समुदाय के दबंग लड़के हैं, इसलिए सरकार हिंदू मुस्लिम की विचारधारा पर उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये हमारा कल दौरा हुआ था, उस पीड़ा को लेकर के हमने आज कप्तान साहब से, एक तो हमारी आज प्रथम मुलाकात भेंट हुई है, दूसरा हमने काफियाबाद प्रकरण जो हत्याकांड है उसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए और परिवार की जान माल की सुरक्षा के लिए और सरकार के ओर से जो भी सहायता परिवार को हो सकती है उसके लिए हमने मांग की है।